उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा मंडलीय सम्मेलन एवं शैक्षिक गोष्ठी के अवसर पर शिक्षा शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के संकट कारण एवं निवारण को लेकर शहर के एक निजी मैरिज हाउस में बैठक किया गया। इस मौके पर पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा शिक्षकों एवं व्यावसायिक शिक्षकों का विनियमितीकरण करना जैसे विषयों पर संगोष्ठी में शिक्षकों के अधिकार पर चिंतन मनन किया गया। मंडलीय सम्मेलन में विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर के डायट प्राचार्य जयप्रकाश, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह गौतम सहित तमाम पदाधिकारी और शिक्षकगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, आपको अनुदान प्राप्त होता है, एक बात का ध्यान दीजिए, वेट मैनेजमेंट के और उसका अनुदान उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानाचार्य उदित नारायण सरकार जा ही रही है, हम देख भी रहे हैं। गर्वत निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें, आपका स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय श्री जयप्रकाश नायक जी से आग्रह करता हूँ कि आए और आगंतुक आए हुए अतिथियों का, शिक्षक साथियों का संक्षिप्त स्वागत करें। आदरणीय नायक जी, शिक्षा क्रांति अभियान के प्रणेता आदरणीय जगदीश पांडे धवड़ई जी, अपने बीच में ये हम लोग बताया भी है, उनसे कोई विश्वविद्यालय से ये परिषद में बाहर निकल के बाहर भारत के उसकी इम्प्लीमेंटेशन समय से नहीं हो पाया। सरकार ने देखा कि यह कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा, एक्शन प्लान जारी हुआ। 1992 का जो एक्शन प्लान आया उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, उसपे जोड़ दिया गया। सत्य प्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष माननीय शिक्षक संघ गोरखपुर, हमारे साथ हमारे जिला मंत्री गौरव राव कौशिक जी हैं। उत्तर प्रदेश माननीय शिक्षक संघ ठकुराई द्वारा मंडली सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन आज किया गया है। इसमें शिक्षा शिक्षक और शिक्षेत्र कर्मचारियों के समस्या, उसके कारण और निदान के बारे में शैक्षिक विचार गोष्ठी होगी। इस शैक्षिक गोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी कला संकाय के अध्यक्ष हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि में माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी MLC, दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो नगर लोकप्रिय नगर विधायक हैं, साथ ही साथ डाइट के प्राचार्य जयप्रकाश जी भी मौजूद हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मुख्य वक्ता हैं जगदीश पांडे ठकुराई जी। इसमें हम यह निर्णय लेने वाले हैं, सरकार जो शिक्षा सेवा अधिकरण 2019 लागू की है, इसका हम लोग आज एक रणनीति बनाएंगे और साथ ही साथ सरकार को ये बताएंगे कि इसको वापस लिया जाए, अन्यथा हमारा वेतन वितरण अधिनियम, इंटर अधिनियम 1971 और माध्यमिक शिक्षा एक्ट की दुर्दशा हो जाएगी। जब हमारे लिए तीन तीन अधिनियम और एक्ट बने हुए हैं जिसमें सजा के प्रावधान हैं, तो इनको इग्नोर करके यह अधिनियम क्यों लाया गया।